मेरा नाम अंशिका शर्मा है, मैं खारकिव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ। मैं फर्स्ट ईयर में हूँ। इस वक्त मैं अपने हॉस्टल की बेसमेंट से बात कर रही हूँ। यहाँ थर्सडे की सुबह से ही बॉम्बिंग स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ हर तरफ माहौल बहुत ही ख़राब हो चुका है। हमें एम्बेसी की तरफ से बहुत सारी न्यूज़ आ रही है कि आपको पोलैंड के हंगरी के बॉर्डर खुल चुके हैं, कि आपको सेफली पहुँचा दिया जाएगा, लेकिन हमें खारकिव से पोलैंड जाने के लिए बाय रोड जाना पड़ेगा, जबकि सारी रोड्स ब्लॉक हैं। कहीं भी कभी भी कोई भी शेलिंग हो सकती है। तो हमें इंडियन एम्बेसी से अपील है कि कोई भी एक सॉलिड प्लान बनाया जाए, जिससे हम खारकिव से सेफली बॉर्डर तक पहुंच पाएँ और हमारे यहाँ के सारे एजेंट हैं वो हमें खाना पीना सब चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन हमारा इंडियन एम्बेसी हमें कोई भी साथ नहीं दे रही है। हमें इंडियन एम्बेसी से कोई भी सॉलिड प्लान नहीं मिल रहा है। हम सब यहाँ अराउंड 500 से भी ज़्यादा बच्चे इस टाइम यहाँ बैठे हुए हैं। बच्चे बहुत ही ज़्यादा पैनिक है। थोड़े टाइम बाद ही यहाँ पे बॉम्बिंग शेलिंग स्टार्ट हो जाती है, हम फिर से वही माहौल ख़राब होने लग जाता है। बारी बारी न्यूज़ में दिखाया जा रहा है कि इंडियन एम्बेसी कुछ कर रही है, लेकिन हमारे पास कोई भी न्यूज़ नहीं आ रही है कि इंडियन एम्बेसी क्या कर रही है। यहाँ हर एक बच्चा बहुत ही पैनिक है। हर एक पेरेंट्स, बारी बारी पेरेंट्स के कॉल्स आ रहे हैं हमारे एजेंट्स के पास। हमारी यूनिवर्सिटी पूरी सपोर्ट कर रही है, बल्कि हमारी जो इंडियन एम्बेसी को अब तक कोई ना कोई ठोस कदम ले लेना था, लेकिन अब तक कोई भी ठोस कदम नहीं लिया है। सिर्फ अपील की जा रही है कि बॉर्डर खुल चुके हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं किया जा रहा है। सो मेरी यह इंडियन एम्बेसी से अपील है कि जल्दी से जल्दी ठोस कदम उठाया जाए और हमें सेफली घर पहुंचाया जाए। थैंक यू। आई एम डॉक्टर पूजा। मैं खारकिव में हूँ अभी, और यहाँ 2 दिन से बहुत बॉम्बार्डिंग हो रही है। हम सब डरे हुए हैं। कुछ गवर्नमेंट कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले रही है। हमारे पास ना खाना है ना पानी है, क्योंकि परसों जब से बॉम्ब गिरने शुरू हुए हम बस जल्दी जल्दी आसपास के मेट्रो पहुँच गए, और यहाँ पर चार्जिंग की भी बहुत प्रॉब्लम है। और फिर रसिया ने कहा था कि वो या फिर लोगों ने कहा कि सिविलियन पे कोई अटैक नहीं होगा, बट यहाँ जगह जगह रोड पे फायरिंग हो रही है और अनएक्सप्लोर्ड मिसाइल्स गिरे हुए हैं। हम काफ़ी डरे हुए हैं। हम चाहते हैं कि जो इंडियन गवर्नमेंट है या लोग हैं हमें सपोर्ट करें, प्लीज़ हमें यहाँ से इवैक्यूएट करें। My name is Ruhi Pandit. I am a student of Kharkiv National Medical University from the 4th year. We live in Kharkiv, Ukraine. As you all know, the early morning, there 5 o'clock Thursday, there was a bombing. They began shelling, fighting, and firing by the Russian aircraft, and Russia declared war. Since then, we have been living in the basement of our own hostels. We have supplies for basic amenities, which are being provided by our agents who are present here. But there is no aid which is being provided by the Indian embassies. We have seen advisories on multiple social media platforms, but they are of no use for us. There is a plan of action which is being set by the state government, by the Indian government, but then the plan of action is not solid for us, as reaching 1,000 kilometers away to Hungary Poland borders is ultimately difficult for us and maybe impossible and risky as well.